इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे लीज़ अकाउंटिंग फॉर लेसर और ये भी आई एफ आर एस सिक्सटीन में कवर होता है टॉपिक तो देखें यहाँ मैंने कुछ लिखी है इन्फॉर्मेशन जो कि हम डिस्कस करते हैं लीज़ अकाउंटिंग फॉर लेसर सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है लेसर के लिए कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है राइट right, कैसे मालूम हो ये फाइनेंस लीज है तो लास्ट वीडियो में काइंडली मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसका स्क्रीनशॉट मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ रख लिख दिया है आप इसको पढ़ लीजिए लेकिन पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि फाइनेंस लीज क्या होती है अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इफ़ इट्स ऑफ फाइनेंस लीज राइट सबसे पहले हमने क्या डिसाइड दिस, करना है कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग लीज है हमने डिसाइड कर लिया ये फाइनेंस लीज है उसके बाद हमने ये देखना है कि जो लेसर है वो मैन्युफैक्चरर या डीलर भी खुद है यानी वो एसेट्स को बना भी खुद रहा है और फिर उसको लीज पे दे रहा है या सिर्फ ओनली लीज पे दे रहा है तो इस सिनेरियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लेस सपोज करें कि वो मैन्युफैक्चरर भी है या डीलर भी है ऑन द लीज कॉमेंसमेंट डेट तो हम उसकी कैसे अकाउंटिंग करेंगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे यहाँ सिर्फ थ्री पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने देखा कि लेसर जो है वो मैन्युफैक्चरर भी है और डीलर भी है राइट right? होंडा की एग्जांपल ले लेते हैं कि होंडा सपोज लेसर है वो बना भी रहा है और उसके बाद वो उसको लीज पे भी दे रहा है तो सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे रिमूव द एसेट फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सपोज अगर उसने टेन कार्स बना ली होंडा की तो उसकी इन्वेंटोरी में कितनी मौजूद है उसकी इन्वेंटोरी में टेन मौजूद हैं तो यहाँ देखें हमने उसने क्या रिकॉर्ड करना होगा ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसने सेल्स रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिकॉर्ड करनी है सेल्स रेवेन्यू में हमारे पास कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड आ जाती है और उसके बाद हम प्रॉफिट भी आ जाता है जब हम उसमें से कॉस्ट ऑफ़ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो सिंपल प्रॉफिट रह जाता है तो अगर तो लेस और आपका मैन्यूफेक्चरर है तो उसको दो तरह के प्रॉफिट प्रॉफिट होते हैं एक तो उसका सेल्स रेवेन्यू से प्रॉफिट होता है और एक उसका इंटरेस्ट रेवेन्यू से होता है याद रहे मैन्युफैक्चरर के में दो तरह से मैनुफेक्चर को प्रॉफिट होंगे लेसर को एक का ऐसे होगा सेल्स रेवेन्यू से होगा दूसरा इंटरेस्ट रेवेन्यू से होगा राइट right? और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जब हम एंट्री बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डेबिट कर देते हैं और इन्वेंटोरी को कम कर देते हैं तो ये लिखा है रिमूव द एसेट फ्रॉम इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन्वेंटोरी एक कार उसने लीज़ पे दी है तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगी तो वो रिमूव हो जाएगी और उसके जगह क्या आ जाएगा रिकॉर्ड द लीज रिसीवेबल अकाउंट बन जाएगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं ज़रूर आपको बताऊंगी लेकिन आप थ्री पार्ट प्लीज समझ लें उसके बाद यहाँ क्या लिखा है रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेवेन्यू थ्रू आउट द लीज़ देखें जो मैंने आपको बताया ना वो एग्जैक्टली exactly यहाँ लिखा हुआ है लेकिन अगर ये Operating lease है, तो लेसर क्या करेगा? करेगा यानी वो वो आपका balance sheet पे रहेगा, वो उसका एक्सपेंस और रिकॉर्ड लीज रेवेन्यू थ्रू आउट द लीज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस क्या मीनिंग है इसका सेम अमाउंट ऑफ ईच पीरियड में वो रिकॉर्ड करेगा राइट आई होप को आप, आपको ये स्लाइड समझ में आ गई अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे और क्लासिफिकेशन मैंने शो की है कि अगर लेसर आपका फाइनेंस उसके प्लीज है या ऑपरेटिंग लीज है तो क्या होगा रिकॉर्ड सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो इसमें फाइनेंस लीज है तो यस इसको ये रेकॉर्ड करेगा और ये दोनों का रिकॉर्ड करेगा अगर लेसर जो है वो मैन्युफैक्चरर बना भी रहा है या डीलर है इस केस में नहीं होगा अगर तो फाइनेंस लीज़ है तो रिमूव द एसेट फ्रॉम द लेसर्स बुक यस इसमें यस होगा इसमें नहीं होगा रिकॉर्ड अ लीज रिसीवेबल यस इसमें होगा क्योंकि जब ये रिमूव हो जाएगा तो एक नया अकाउंट बन जाएगा लीज रिसीवेबल वो फाइनेंस लीज में बनता है ऑपरेटिंग में नहीं बनता इंटरेस्ट रेवेन्यू फाइनेंस लीज फाइनेंस लीज में सॉरी होता है इसमें ऑपरेटिंग में नहीं होगा अब ऑपरेटिंग के सिर्फ ये दो यस yes यहाँ लिखे हैं अगर तो ऑपरेटिंग लीज है तो वो एसेट आपका बैलेंस शीट में एज इज रहेगा सिंपल ने एक्सपेंस थ्रू आउट द लीज यस है यहां नो फाइनेंस में नहीं डिप्रीशियट करते यहाँ, इसको यहाँ करते हैं रेकर्ड लीज रेवेन्यू ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस यहां यस है और नो no है आई होप इससे भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो गया होगा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ हेयर इज अ समरी ऑफ द फाइनेंस लीज रूल्स फॉर अ मैन्युफैक्चरर डीलर अगर तो अगेन मैं कह रही हूँ अगर तो आपका लेसर मैन्युफैक्चरर है या डीलर है बना के वो सेल कर रहा है तो उसके रूल क्या होंगे सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल रिकॉग्नाइज दोनों रिकॉग्नाइज होते हैं सेल रेवेन्यू लेकिन कब होंगे जब लीज़ कमेंसमेंट डेट है कमेंसमेंट डेट क्या होती है जिस दिन से लीज़ स्टार्ट हो देखिए अगर आपने लीज़ लेनी है ना होन्डा की आप सपोज़ एग्जाम्पल ले लें तो आपने पेपर वर्क साइन किए सब आपने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी सपोज सेप्टेम्बर फर्स्ट 2024 को हमने ये सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं ये हमारा अग्रीमेंट डेट होगा राइट इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है ये नहीं होगा कमेंसमेंट डेट आपको जिस दिन हैंडोवर होगी सपोज आपको सेप्टेम्बर दिफ्टीन को मिल रही है तो ये इसकी कमेंसमेंट डेट है तो सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब रिकोगनाइज होंगे जो लीज कमेंसमेंट डेट पे सेल्स रेवेन्यू किसके इक्वल होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके इक्वल होगा सेल्स रेवेन्यू इक्वल होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट जो भी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस वक्त उसमें से आपने माइनस क्या करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगरेंटीड रेजिडुअल वैल्यू राइट एक होती है मैं यहां लिख देती हूं एक होती है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक होगी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक आप देखेंगे कभी क्वेश्चन में दिया होगा एक्चुअल होगी रेजिडुअल वैल्यू और टाइम आप देखेंगे कि होगी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू तो इन सब में आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए अगर तो आपको दिया हुआ है अनगारंटीड यानी गारंटी कौन देता है लेस ही गारंटी देता है सपोज वो आपकी कार जो है वो फोर्टी थाउजेंड में ले रहा है और वो कह रहा है चार साल के बाद जब मैं आपको वापस करूँगा तो मेरी गारंटी है कि इसकी वैल्यू टेन थाउजेंड डॉलर होगी ये तो गारंटी है राइट right? तो अगर तो बिल्कुल गारंटी उसने श्योरिटी दिलवाई हुई है तो हम यहां माइनस नहीं करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अन इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटी अगर अनगारंटी है वो गारंटी नहीं दे रहा वो कह रहा है आठ सा आठ हज़ार होगी और अनगारंटीड है तो उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है और फॉर श्योर प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको सब कुछ डिस्काउंट रेट भी होगा तो जो डिस्काउंट रेट यूज़ होता है वो होगा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हम लेसर की अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसको इंप्लिसिट रेट कहते हैं वो उसमें से माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके इक्वल होगी जो भी कैरिंग अमाउंट है कॉस्ट ऑफ एसेट की और उसमें से भी आपने यह माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू अगर तो गारंटी है तो यह माइनस नहीं करना ये याद रहे और जब अगर तो ये गारंटी उसने दी है और हम माइनस नहीं कर रहे तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये ज़्यादा होंगी ये दोनों वैल्यूज़ कम कब होंगी सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम कम होगा जब हम इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेजिडअल वैल्यू को सब करेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बच्चे इसमें अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये कम कब शो होगा जब इसमें से हमने ये सब ट्रैक किया कब हम सब ट्रैक्ट नहीं करेंगे अगर ये गारंटीड रेजिडअल वैल्यू दी है तो हम नहीं उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे अब ये मैंने क्या लिखा है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अनगारंटीड रेजिडअल वैल्यू और यहाँ गारंटीड रेजिडअल वैल्यू सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अनगारंटीड रेजिडअल वैल्यू वही मैंने कहा ना ये कब होगा माइ ये दोनों वैल्यूज कब हमारे पास लो वैल्यू आएंगी इसकी जब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे राइट right? ये पॉइंट क्लियर हो गया सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑर नॉट अफेक्टेड बाय द रेजिडअल वैल्यू अगर गारंटीड रेजिडअल वैल्यू दी है तो ये अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि हम इसमें से कोई माइनस भी नहीं कर रहे जो जो मैंने आपको यहाँ समझा है वो ये लिखा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ़ एक्चुअल रेजिडअल वैल्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेजिडअल वैल्यू तो लेसोर और रिकॉर्ड सा लॉस शो करेगा राइट right? लॉस और तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है इसका क्या मीनिंग है जैसे ये है ना एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेजिडुअल वैल्यू एक एक्चुअल सपोज uh, मैं आपसे कहती हूँ कि सिक्सटीन थाउजेंड आपकी कार की वैल्यू होगी जब मैं आपको कार चार साल के बाद वापस करूंगी ये मेरी गारंटी है लेकिन एक्सपेक्ट मैं क्या कर रही हूँ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नहीं ये तो इसकी वैल्यू तो 8000 होगी तो दोनों में जो डिफरेंस होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट तो हम कर लेंगे जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल रेजिडअल वैल्यू आपके पास कितनी हो गई सिक्स हो गई कितने का डिफरेंस हो गया टू थाउजेंड का डिफरेंस हो गया तो ये लिखा है एक्चुअल रेजिडुअल वैल्यू इज लेस देन एक्सपेक्टेड तो ये दो हजार का लॉस शो करेंगे सिक्सटीन और सिक्स का लॉस दस हज़ार का नहीं शो करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो एक्चुअल हुई तो इसका लॉस हम शो करेंगे लेकिन यहाँ क्या है इफ़ एक्चुअल रेजिडुअल वैल्यू इज़ लेस देन गारंटीड गारंटी में मैंने आपको कहा था कि लेसी ने गारंटी दी है कि सिक्सटीन थाउजेंड आपकी कार की वैल्यू होगी चार साल के बाद लेकिन एक्चुअल में क्या हो गई सिक्स हो गई तो जो दस हज़ार का डिफरेंस है वो लेस और रिसिव कैश फ्रॉम द लेसी वो लेसी ने पे करना होगा अगर तो एक्चुअल ज़्यादा आ गई एक्चुअल तो ट्वेंटी थाउजेंड हो गई राइट हमने तो गारंटी दी थी सिक्सटीन की तो तो फिर लेसर को तो फायदा ही हो रहा है कोई वो नहीं हो रहा तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा लेकिन अगर इससे एक्चुअल कम हो गई तो लेसी ने उसको देना होगा तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा तो हमने सोफार so अभी तक क्या सीखा है कि अगर आपका लेसोर मैन्युफैक्चरर है बना रहा है और फिर वो उसको लीज पे दे रहा है तो अपने सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करना होगा लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर तो लेस और और डीलर नहीं है सिंपल वो लीज पे आइटम्स देता है स्टिल फाइनेंस लीज की बात कर रहे हैं तो नो सेलिंग प्रॉफिट जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि उसमें दो तरह के प्रॉफिट होते हैं एक सेल्स रेवेन्यू से आएगा एक इंटरेस्ट रेवेन्यू से आएगा तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास इंटरेस्ट रेवेन्यू से आएगा क्योंकि वो कोई सेल तो वह नहीं कर रहा तो नो सेलिंग प्रॉफिट डी रिकग्नाइज एसेट रिड्यूस एसेट पी पी ई बट नॉट द इन्वेंटोरी यहाँ देखें क्या इसकी एंट्री होगी लीज़ रिसिवेबल तो जनरेट हो जाएगा और हमारी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी लास्ट टाइम हम इन्वेंटोरी कम कर रहे थे राइट रेकॉर्ड लीज़ रिसिवेबल एक्रू इंट्रस्ट थ्रू आउट द पीरियड सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेसोर की अकाउंटिंग कैसे होती है ये सिर्फ थ्री पार्ट था नेक्स्ट लेसन में इनशाला हम इसके नोमेरिकल शुरू करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया